बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर वन का लेक्चर नंबर 16 है बेटा। और आपका टॉपिक चल रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये उसका पार्ट टू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सबसे पहले इस लफ्ज़ को आप देख रहे हैं यूनि सेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन। यूनि का मतलब क्या होता है बच्चों? वन, यानी कि एक। सेलुलर का मतलब सेल और ऑर्गेनिज्म का मतलब जानदार। सो ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो देखते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सिर्फ एक सेल जानदारों को बनाता है या जानदारों के जिस्म को बनाता है या जानदारों की जिंदगी को बनाता है। सिंपल है, यूनिसेलुलर जानदारों में ओनली वन सेल होता है, बस ये आपने सीखना है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी लाइफ की सरगर्मियां होती हैं, जिंदगी की सरगर्मियां होती हैं, जिंदगी के काम होते हैं, उन सब कामों को कौन करता है? वही एक सेल ही करता है बच्चों, ठीक है। जिंदगी की तमाम सरगर्मियों को सिर्फ एक सेल ही करता है। और एग्जांपल देखते हैं अब इनकी कि यूनिसेलुलर जानदार कौन से होते हैं। पहली मिसाल अमेबा है, दूसरी मिसाल पैरामीशियम है बच्चों, पैरामीशियम है, और तीसरी मिसाल योग्लिना है, तीसरी मिसाल योग्लिना है। ये सारे कौन से जानदार हैं? यूनिसेलुलर जानदार। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यूनिसेलुलर जानदार क्या होते हैं? आप कहेंगे वो जानदार जिनकी जिंदगी को सिर्फ एक सेल बनाता है और उस जानदार की तमाम सरगर्मियों को वही एक सेल कंट्रोल करता है। और इनकी मिसालें अमेबा, पैरामीशियम और योग्लिना हैं। आगे चलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसमें कॉलोनियल जानदार आते हैं। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिविजन ऑफ लेबर अमंग देम। ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार मिलकर रहते हैं। एक यूनिसेलुलर जानदार है, फिर उसके साथ दूसरा यूनिसेलुलर जानदार आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो अगर बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार, कौन से जानदार? अगर बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं तो इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक कॉलोनी के अंदर सेल के दरमियान कामों की तकसीम नहीं होती, हर सेल अपना काम खुद करता है, हर सेल अपना काम खुद करता है। तो यही उसने कहा है कि कॉलोनियल तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर जानदार मिल के रहते हैं, बट डू नॉट हैव एनी डिविजन ऑफ लेबर अमंग देम, मगर उनके दरमियान काम की कोई तकसीम नहीं होती, मगर उनके दरमियान काम की कोई तकसीम नहीं होती, हर सेल अपना काम खुद करेगा, हर सेल अपना काम खुद करेगा। लिहाजा उनके दरमियान, उस कॉलोनी में सेल के दरमियान कामों की कोई तकसीम नहीं होती। आगे चलें, ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन ए कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। कि कॉलोनी के अंदर ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन ए कॉलोनी, कि उस कॉलोनी के अंदर हर जो यूनिसेलुलर जानदार होता है लिव्स इट्स ओन लाइफ, अपनी जिंदगी गुजारता है। कॉलोनी के अंदर हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी जिंदगी गुजारता है, कॉलोनी के अंदर हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी जिंदगी गुजारता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट, और दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये सेल इन दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। वाइटल कहते हैं अहम, वाइटल कहते हैं क्या बच्चों? अहम, जरूरी, अहम रिक्वायरमेंट्स के लिए वो दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड या इनसार नहीं करता। अब मिसाल क्या है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, क्या मिसाल है? बहुत इंपॉर्टेंट वॉलवॉक्स। अगर आ जाए वॉलवॉक्स कौन सा जानदार है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, तो आपने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बोलना है। अमेबा, पैरामीशियम, योग्लिना आ जाए तो यूनिसेलुलर जानदार। सो वॉलवॉक्स इज ए ग्रीन अलगा। पहली बात, वॉलवॉक्स है क्या? ये एक ग्रीन अलगा है, ठीक है बच्चों।
अलगा वाहिद है और इसकी जमा होती है अलजी। क्या जमा होती है बच्चों? इसकी जमा होती है अलजी। और ये पानी में ज्यादातर रहते हैं और ये किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखते हैं। किस किंगडम से? किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है उससे ये अलजी ताल्लुक रखते हैं। और अलजी की जो सिंगुलर है वो अलगा है। तो वालवाक्स एक ग्रीन अलगा है, फाउंड इन द वाटर, पानी में पाया जाता है। That shows colonial organization, जो क्या शो करता है? colonial organization शो करता है। So MCQs आ सकते हैं, वालवाक्स क्या है? ग्रीन अलगा है, कहाँ रहता है? पानी में रहता है। और वालवाक्स क्या शो करता है? colonial organization शो करता है। अब बेटा वालवाक्स की कलोनी में कितने जानदार होते हैं? Hundreds of वालवाक्स cells make a colony. के हंड्रेड ऑफ वालवाक्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक कलोनी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वालवाक्स की कलोनी है तो इसके अंदर हंड्रेड वालवाक्स होंगे। तो ये आपने क्लियर किया कलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे यूनिसेलर जानदार मिलकर इकट्ठे रहते हैं मगर उनके दरमियान कोई काम की तकसीम नहीं होती। लिहाजा कलोनी के अंदर हर यूनिसेलर जानदार अपनी जिंदगी गुजारता है बच्चों और अहम जरूरियात के लिए दूसरे सेल के ऊपर इनसार नहीं करता। वालवाक्स एक ग्रीन अलजी है जो कि पानी में रहता है और वालवाक्स कलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। और वालवाक्स की एक कलोनी में सैकड़ों हंड्रेड वालवाक्स रहते हैं। आगे चलते हैं लास्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नाम से जाहिर है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, कई, ज्यादा, सेलुलर का मतलब सेल। तो ऐसे जानदार जिसमें ज़्यादा सेल्स हों उनको मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो होते हैं ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। सो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले जानदारों की मिसालें कौन है? मेंढक, फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट और सरसों का पौधा। किसका पौधा बच्चों? मस्टर्ड प्लांट बोलते हैं सरसों का पौधा और फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। साइंटिफिक नाम है इसका राना टैगरीना और इसका साइंटिफिक नाम है ब्रासिका कंपेस्टस। सो एक फ्रॉग मल्टी सेलुलर जानदार है और ये जो पौधे होते हैं सारे ये भी मल्टी सेलर जानदार है। और जानवर जो होते हैं इंसान आ गया, हो गया गाय, बैल, भैंस, बकरी, चूहा, ये सारे मल्टी सेलर जानदार है। यहाँ पे जो मिसालें बताई वो एक फ्राग की बताई गई है और एक मस्टर्ड प्लांट सरसों के पौधे की। सो दे आर द फेमिलियर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन की जो मशहूर मिसालें हैं वो फ्राग है और मस्टर्ड प्लांट है। तो ये बच्चों आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।